वेलकम टू ओपुस किचन। आज का रेसिपी मिक्स्ड वेज अचार। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बनाऊंगी मिक्स्ड वेज अचार, जिसके लिए मूली लिया, गाजर लिया, फूलगोभी और ये है कच्चा आम बरोआ मैंगो, और इधर लिया ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक। तो पहले धो के पोंछ के सुखा लिया, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। और अचार के लिए एक मसाला भी बनाऊंगी, मेथी दाना 1 चम्मच, एक चम्मच जीरा, दो चम्मच राई, दो चम्मच सौंफ, सारे ड्राई मसाला को ड्राई रोस्ट कर लूंगी और ऐड करूंगी 2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच अजवाइन। तो सारे मसाला को लो फ्लेम में डायरेक्ट कर लूंगी। सारे मसाला को ड्राई रोस्ट कर लिया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद दरा दरा पीस के रेडी करूंगी। जो ड्राई रोस्ट करके रखा था सारे मसाला ठंडा हो गया, ग्राइंडर का जार में ऐड कर दिया। दरा दरा पीस के रेडी कर लेती हूँ। मसाला दरा दरा पीस के रेडी कर लिया, चलता है नेक्स्ट प्रोसेस में। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें ऐड करूंगी सारे वेजिटेबल, और ऐड करूंगी जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली। तो जैसे गर्म हो गया पहले वेजिटेबल को ऐड कर देती हूँ। डायरेक्ट मसाला के साथ भी कर सकते हैं, बट मैं इस प्रोसेस से करती हूँ तो इंस्टेंट एकदम बन जाता है। साथ में ऐड कर दूंगी जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली। 2 मिनट वेजिटेबल फ्राई करने के बाद सारे ऐड किया। सारे वेजिटेबल को धूप पे हल्का सा 1/2 आवर सुखा लिया था, धो के क्लीन करके, और ऐसे अभी फ्राई कर लूँगी। अभी ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, और ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, और ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और गैस बंद करके ऐड करूंगी जो मसाला पहले से ड्राई रोस्ट करके और फ्राई करके रखा था, पीस के रखा था, वो ऐड कर दिया।
और गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जैसे एकदम ठंडा हो जाएगा तो डायरेक्ट इंस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दो दिन मसाले के साथ रखने को बाद भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई बहुत ही गर्म है तो इसके लिए दो बार ऐसे अलट पलट कर लेती हूँ तो मसाला भी अच्छी तरह से सारे वेजिटेबल में लग जाएगा।